जय दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने। यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? ठीक है, देखिए परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, इसके पहले के वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं वहां जाके। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को फॉलो करिए, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर होगा। प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का 15% किस तरह से लिख सकते हैं, किसके बराबर है? ए माइनस बी के 25% के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक आपने बहुत छोटे क्लास में पढ़ा होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, मैं बस ऐसे ही बेच के आपको बता रही हूँ। ठीक, बता देता हूँ। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15a प्लस 15b लिख सकते हैं, इजिकल टू 25a माइनस 25b लिख सकते हैं। 100 से 100 चला जाएगा आमने सामने, देखिए यहाँ पे इजी हो जाएगा, अगर ऐसे करके लिख सकते हैं ना इसको। अब 100 से 100 कर सकते हैं, यहाँ तो यहाँ बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, ऐसे 100 से 100 कट जाए। ओके, ठीक है, हटा दें इसको, मान लेते हैं काट दिया। अब 15a ए को एक तरफ ले लेते हैं, 25a इजिकल टू 25b माइनस 15b हो जाएगा। आपको पता होगा ये 15b जब बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस का है, बराबर को उधर जाके अपना चिन्ह बदल देगा, प्लस की जगह ये माइनस का भी हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब 25 में 15 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, 10a किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह आता है वही लगता है, ना प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसीलिए 25 में 10 गए तो ये माइनस का 10a हो गया। ओके, इजी कर दो, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ गया तो 25। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, 25 और 15 कितने हो गए? 40, 43। लेकिन चेन माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 10a इज इक्वल टू 40, तो क्या a इज इक्वल टू 4 भी हो जाएगा? हो गया, है ना, 10 0 से 0 गया तो a इज इक्वल टू 4 भी हो गया। अब हमसे पूछा गया है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ठीक है, b का कितना प्रतिशत, मान तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, a का कितना प्रतिशत b के बराबर होगा। तो a अपॉन b इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत पूछ रहा है। तो a बराबर कितना है आपके पास? a बराबर 4b है, तो a की जगह कितना लिख देंगे? 4b लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी b आ गया, ये इंटू 100। ठीक है, पूछा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो a अपॉन b इंटू 100 लिख देंगे, क्योंकि a का कितना, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है हमसे पूछा गया था, हमें इसलिए इसको ऐसे लिख। ओके, b से b चला जाएगा, एक 4 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, तो आंसर आपका 400% आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन। अभिष्ट प्रतिशत, ठीक है, अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत। ठीक है, ठीक है, आप समझ में आए, मतलब ये 100 तो हमने प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई है, इस तरह से हमें ये लिखा है इसको। ठीक है, आपसे पूछा गया बीका कितना मतलब एक बराबर, इस टर्म पे इसलिए लिखा गया है बीका कितना प्रतिशत एक बराबर होगा, तो हमें बताइए ए बराबर 4b है, मैंने आपको किया 400% आपका आंसर आता, राइट। इतना समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, x माइनस वाई का 50%,
बराबर है एक्स प्लस, देखिए वाला क्वेश्चन बता रही हूँ, एक्स माइनस वाई का 50%। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स और एक्स माइनस वाई का 50% बराबर है एक्स प्लस वाई के 30%, ठीक है। अब इसको यूज करना है, एक्स माइनस वाई का 50% सबसे देख सकते हैं बराबर है एक्स प्लस वाई के 30%, इस तरह से लिख सकते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। 100 से 100 चला जाएगा, 50x - 50y इक्वल टू 30x + 30y, इस तरह से लिख सकते हैं। वाई वाई को हम एक तरफ ले लेते हैं, 50x - 30x इक्वल टू 30y + 50y। आपको पता है इस तरफ गया बराबर के इधर कुछ नंबर चेंज बदल गया, प्लस का हो गया है ना, ये बेसिक चीज है, आपको पता होगा कि 20x इक्वल टू 50, 60, 70, 80। 80y हो गया 0 से 0 कटा, 2 चौक 8 है ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, है ना। ये हमारी इक्वेशन टाइप आ गई होगी। अब हमसे पूछा अभीष्ट प्रतिशत, क्वेश्चन में पूछा गया तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, बाई एक्स का कितना प्रतिशत, तो हम इसको बाई एक्स का कितना, बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको पता है बाई हमारा एक्स बराबर 4y है ना, तो एक्स जगह क्या हम 4y लिख सकते हैं, इंटू 100%, ओके। बाई से बाई चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, 4 को काटेंगे से 2 25 आ जाएगा, 25 चौक 100 होते हैं, 25% आ गया आपका, है ना। तो अब इस प्रतिशत कितना आया, 25% आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी बाई एक्स का 25%, बहुत सिंपल है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,